हे गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन अकेडमी. लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी और भारत की राज्य व्यवस्था के हमारी इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. इससे पहले कि हम लोग सेशन स्टार्ट करें, एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं. सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, कैन यू प्लीज़ हियर मी. चलिए जल्दी बताइए, एम आई ऑडिबल? ओके, परफेक्ट. तो 81 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं. आज हमारे इस सीरीज़ का भाग 82 हम लोग कर रहे हैं. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम की एक संस्था के बारे में, जो कि एक सांविधिक संस्था है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा स्थापित है और इसका मुख्य कार्य है आपदा के दौरान और आपदा से जुड़े हुए मामलों में नीतियां बनाना, राहत कार्य आदि की जो है समीक्षा करना, तैयारी करना, आपदाओं की प्रबंधन की सब कुछ हम लोग देखे थे. इसी के साथ हमने देखा था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यदि पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है तो राज्य स्तर पर काम करते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिला स्तर पर DDA में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण. तो अगर आप में से किसी का वो सेशन छूट गया हो या पिछले कोई भी सेशंस आप लोगों के छूट गए हो तो आप लोग कभी भी उन रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं. आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगला चैप्टर जो है वो है 97th अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान का, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है. हालांकि अब परिस्थिति बहुत बदल चुकी है. आपने देखा होगा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था और भारत में सहकारी समितियों वाले संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उस जजमेंट में दिया गया था. कुल मिलाकर संविधान के भाग 9 ख जिसे जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, सहकारी समिति वाले भाग को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, अमान्य कर दिया था, तो उस पर भी बात करेंगे. और उसके बाद अगला चैप्टर जो है हमारा, अगला चैप्टर हमारा है 65, राजभाषा. संघ की राजभाषा क्या होगी, राज्यों की भाषाएं या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, राजभाषा से जुड़े विभिन्न प्रावधान क्या हैं, और वो सब कुछ हम लोग अगले चैप्टर 65 में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को. सभी को एक बार फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, तैयार हैं, रेडी? चलो तो शुरू करते हैं जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अनअकैडमी के साथ. इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आपको पता है कि इस समय आप लोगों को एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है. यदि आप में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2024, 25, 26 के लिए लेना चाहता है अभी से, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है. बस ये ऑफर का फ़ायदा आप उठा सकते हैं. ये ऑफर सिर्फ 13 मई, मतलब परसों तक वैलिड है. आज 12 तारीख है, कल लास्ट है. 13 मई को ये ऑफर लास्ट है और आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहें, जिसमें आपको GS, CSET, ऑप्शनल प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह सब कुछ, लाइव मेंटोरशिप, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सब कुछ मिल सकता है, वो भी 50% तक डिस्काउंट पर. बस इसके लिए आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है. अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर जाइए, CKLIVE रेफरल कोड अप्लाई करिए. 13 मई तक ये ऑफर वैलिड है और 50% तक के डिस्काउंट के साथ अपना सब्सक्रिप्शन, मतलब आधी फीस पर
आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभी। एक बढ़िया मौका है, एक बेहतरीन मौका है, सुनहरा अवसर है, इसको गवाएं नहीं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। आरंभ बैच 2024 के लिए शुरू हो चुकी है और दिल्ली में फाउंडेशन कोर्स भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है, और भी होने वाले हैं। आप लोग इस रेफरल कोड को यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ अनअकैडमी लोन फैसिलिटी भी देता है उन बच्चों को जिनके पास में एक साथ पे करने के लिए फीस के लिए पर्याप्त अमाउंट या पैसे नहीं है, तो आप ये सी के लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए, लोन के लिए अप्लाई करिए और सारा पैसा जो है आप किस्तों में दे सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, तो ये आपका एक लोन वाला ऑप्शन भी है, इस लोन वाले ऑप्शन से सारा पैसा आप किस्तों में ईएमआई में दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सहकारी समिति के बारे में। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको सहकारी समिति का बता देता हूँ। सहकारी समिति क्या होती है, सहकारिता का सिद्धांत क्या होता है। जब देखो, सहकारिता को अगर शब्द के रूप में समझे तो सहकारिता का मतलब होता है साथ मिलकर कार्य करना, साथ मिलकर कार्य करना। जब कुछ लोग आपस में मिलके अपने पारस्परिक लाभ के लिए, हितों के लिए एक साथ जुड़कर काम करते हैं और अपने संसाधनों का सभी लोगों के हित में उपयोग करते हैं और जो भी लाभ होता है उसको आपस में बांट लेते हैं, इसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का सिद्धांत कोई नया नहीं है, हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से ही आप देखेंगे कि सहकारिता के आधार पर काम होते आए हैं और सहकारिता के आधार पर लोगों ने आपस में एक दूसरे के दुखों को बांटा है ना। तो सहकारिता क्या होता है ये तो आपको समझ में आता होगा। हम लोग बात करते हैं सहकारी समितियों के बारे में। तो ऐसे ही भारत में चूँकि शुरुआत से ही सहकारिता का सिद्धांत तो चल ही रहा है, तो इस चीज़ को हमारे संविधान में एक संशोधन करके और ज़्यादा महत्व दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, इससे जुड़ा हुआ पूरा के पूरा एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 ख। जैसे आपने देखा होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया, पंचायतें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, वैसे ही सहकारी समितियों से जुड़े हुए प्रावधानों के लिए हमारे संविधान में संविधान संशोधन हुआ 2011 में 97वां संविधान संशोधन 2011 जो पास हुआ था वो सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ था और इसके द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9 ख। ठीक है, संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया 9B 9 ख, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए 243H से ZH से 243ZT तक। ठीक है, 243ZH से 243ZT तक के नए आर्टिकल्स ऐड किए गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, इस संविधान संशोधन को, तो आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है जो कि संघवाद के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, गैर संवैधानिक हो, इस आधार पर किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा उसकी करवाई जा सकती है। इसकी न्यायिक समीक्षा करवाई गई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि ये अधिनियम सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसने भारत के संविधान में 3 बदलाव किए थे, कौन कौन से। पहला, इस संविधान में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ दिया, संविधान में सहकारी समिति बनाने का एक मौलिक अधिकार ऐड किया गया, जिसे आपके संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, उन्हीं में से एक स्वतंत्रता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता। उसी में जोड़ दिया गया कि सहकारी समिति बनाना भी एक मौलिक अधिकार होगा। इसके अलावा एक नया नीति निदेशक तत्व भाग 4 में जोड़ा, DPSP में आर्टिकल 43B को ऐड किया गया और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना राज्य का कर्तव्य बनाया गया, नीति निदेशक तत्व बनाया गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। दो चीज तीसरी, इस संविधान में एक नया खंड या नया भाग जोड़ा 9 ख, भाग 9 पंचायतें हैं, भाग 9 का नगर पालिका है और 9 ख ये आपका सहकारी समिति के नाम से जोड़ा गया था और इसे नाम दिया गया सहकारी समितियां। कुछ नए अनुच्छेद जुड़े गए 243, अनुच्छेद 243
जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक, ये आपको पता होगा। एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करवा दूं, 9 जो है भाग संविधान का भाग 9 पंचायतें, वो कहाँ से कहाँ तक है? पंचायतें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगरपालिकाएं हैं, और इसके बाद में जेड एच से अगले आर्टिकल जो है वो सहकारी समितियों से जुड़े गए। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये तीनों पॉइंट्स हमारे संविधान के 97वां संविधान संशोधन से जुड़े हुए हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, तीन बातें। पहला, एक नया मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में, एक नया नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 43 बी में, और एक नया भाग 9 ख कुछ नए अनुच्छेदों के साथ। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया भाई? देखो, लाइक भी करो सेशन को, अगर आप लोग देख रहे हैं समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर कर देना सेशन को, और शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों के पास में ये सेशन जाए और वो लोग भी इसे देख सकें। अब देखो, इस संविधान के खंड 9 ख में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला प्रावधान सहकारी समितियों की स्थापना से, इनके स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा स्वायत्त कार्य प्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, नियमन और बंद करने संबंधी नियम बनाएगा। तो इस अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है, इस अनुच्छेद के द्वारा राज्य के लिए ये जरूरी कर दिया कि वो भारत में सहकारी समितियों की स्थापना जो अपने राज्यों में करेगा वो उनके स्वैच्छिक गठन के ध्यान रखेगा, उनके सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण को ध्यान में रखेगा, उनकी आर्थिक सहभागिता को ध्यान रखेगा। इन सब को ध्यान रखते हुए और राज्य अपने अपने सहकारिता के जुड़े हुए कानून बनाएगा। अब यहाँ पेज क्या था, देखो आखिर क्या हुआ इस मामले में, विवाद क्या था? विवाद ये था कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 368(2), आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत बच्चे जानते होंगे आप में से कई कि अनुच्छेद 368 क्या है। इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की, इस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 368 के तहत भारत की संसद संविधान में संशोधन करती है या कर सकती है। इसी अनुच्छेद में 368(2) में कुछ प्रावधान ऐसे बताए गए हैं जो भारत के परिसंघीय सिद्धांतों से जुड़े हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, और यदि ऐसे जो है प्रावधानों में संशोधन करना हो, ऐसे मामलों में संशोधन करना हो जिससे संघवाद पर प्रभाव पड़ रहा हो, जिससे राज्यों की शक्तियों पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे संशोधनों को संसद के विशेष बहुमत से पारित करवाने के बाद आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करवाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही? आफ्टर पासिंग द बिल फ्रॉम द पार्लियामेंट, है ना, विथ स्पेशल मेजोरिटी यू हैव टू पास दैट बिल और यू हैव टू रेटिफाइड दैट बिल फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स, टोटल जो स्टेट्स हैं उनके आधे से ज़्यादा राज्यों से आपको उसको पास कराना पड़ता है और उस विधेयक की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर हम देखें इस संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत दो तरीके से होते हैं। एक, कुछ भाग संविधान का जो है महत्वपूर्ण बहुत सारा भाग संसद अकेले 2/3 बहुमत से संशोधित कर सकती है, विशेष बहुमत से संशोधित कर सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो परिसंघीय सिद्धांतों से जुड़े हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए, उनमें आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना पड़ता है। यहीं पर पेच फंस गया, यहीं पर प्रॉब्लम खड़ी हुई। प्रॉब्लम ऐसे खड़ी हुई कि 97 अमेंडमेंट एक्ट या 97वां संविधान संशोधन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस संविधान संशोधन को संसद ने विशेष बहुमत से पास किया, लेकिन इस संशोधन को आधे से ज़्यादा राज्यों से पास नहीं करवाया गया। मतलब सहकारी समिति वाले संविधान संशोधन को आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने पास नहीं किया, इसको भेजा ही नहीं राज्यों के पास। तो इस बात को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई कि ये गलत है,
क्योंकि इस मामले में राज्य भी हैं और राज्यों के चूँकि सहकारी समिति एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सहकारी समिति भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची में आता है, मतलब ये राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है तो पहली बात तो संसद बना नहीं सकती, दूसरी बात अगर संसद इसको संवैधानिक दर्जा देना भी चाहती थी तो आपने आधे से ज़्यादा राज्यों से पास क्यों नहीं करवाया। अगर आप 73वें संविधान संशोधन को देखें तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों से जुड़ा हुआ है वो संसद से पास करने के बाद आधे से ज़्यादा राज्यों से भी पास करवाया गया था। यहीं पर ठीक है, यहीं पर दिक्कत हो गई। गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 के अपने एक निर्णय में भारत के संविधान के 97वां संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक और इसको संघवाद के खिलाफ बता दिया, इसको रद्द कर दिया। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपील की थी। केंद्र सरकार कोर्ट गई ज़रूर थी लेकिन दिक्कत वहाँ भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय ने भी 97वें संविधान संशोधन में कुछ खामियां निकाली, उन्होंने भी कहा कि ये गलत था कि आपने आधे से ज़्यादा राज्यों से इसको पास नहीं करवाया, ये गलत बात थी। अगर ये संघवाद से जुड़ा है, परिसंघवाद से जुड़ा है, राज्यों के हितों से जुड़ा है, राज्यों की शक्ति में आता है तो आपको इसको कम से कम आधे से ज़्यादा राज्यों से पास कराना था, ये तो गैर संवैधानिक हो गया, ये तो असंवैधानिक है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम 97वां संविधान संशोधन को रद्द नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भाग 9 ख को रद्द कर रहे हैं। भाग 9 ख को रद्द करने का उन्होंने ये कारण बताया कि इसमें राज्यों की शक्तियों का केंद्र ने अतिक्रमण किया है, मतलब सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या कितनी होगी ये भी इस संविधान संशोधन में तय कर दिया गया, मतलब राज्यों के पास बचा क्या। अगर आप ये भी तय कर दोगे कि किस राज्य की सहकारी समिति में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं तो फिर राज्यों के सहकारी समिति पर कानून बनाने के अधिकार का क्या होगा, उनकी स्वायत्तता का क्या होगा। चूँकि सहकारी समितियाँ राज्य सूची का विषय है तो राज्यों को निर्धारित करने दो कि वो किस प्रकार की सहकारी समितियाँ अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, आप उनकी संरचना उनके गठन को तय नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी जो एम लक्ष्मीकांत का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय वर्तमान में हम लोग जो एडिशन पढ़ रहे हैं या जो आपके पास में होगा उसमें अभी ये सारी अपडेशंस नहीं हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एकदम अपडेटेड मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग 9 ख जोड़ा गया था उसको रद्द कर दिया था कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने पूरे संविधान संशोधन को रद्द नहीं किया, उन्होंने 19 के तहत इसको मौलिक अधिकार बने रहने दिया। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी ये है, उन्होंने सिर्फ 9 ख में राज्यों की शक्तियों के अतिक्रमण को जो है रोका है। आ गया समझ में, इज दैट क्लियर? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, मैं आपको एकदम अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं आपको एकदम अपडेटेड बात बता रहा हूं जो अभी वर्तमान स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में सहकारी समितियों को लेकर क्या फैसला दिया था और वर्तमान में 9 ख उन्होंने गैर संवैधानिक या संवैधानिक जो है वो डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने इसको रद्द कर दिया कि हम 9 ख को लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये संघवाद की भावना के खिलाफ है, ये तो भारत के मूल ढांचे के खिलाफ चला गया। चलिए जल्दी बताइए। हालांकि अभी अभी केंद्र सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, ये भी आपने पढ़ा होगा। सहकारिता मंत्रालय का गठन करने के बाद भी आप राज्यों की शक्तियों को नहीं कम कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको, तो 9B के पर जो है अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रावधान नहीं रहे। वैसे तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था बोर्ड के सदस्य और इसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें। दरअसल इस संविधान संशोधन में सहकारी समितियों के बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी संख्या तक फिक्स कर दी गई, तो राज्यों के पास क्या बचेगा भाई।
देखो राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये तो दो बातें हो गई, एक तरफ आप कह रहे हो कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा और वो अपने यहाँ तय करेगा कि उस राज्य की सहकारी समितियों में कितने सदस्य हो सकते हैं, पर एक तरफ आप कह रहे हो कि ये 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब आपने अधिकतम संख्या तय कर दी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को ऐसे प्रावधानों पर ही आपत्ति थी और उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को ठीक है हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला सही था, आप इस तरीके का संविधान संशोधन जो आपने किया ये गलत है। ठीक है, तो ये 21 तक का फिक्स किया था। फिर उसमें यह था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्य अगर होंगे तो उनमें जाति और जनजाति के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। अब केंद्र सरकार का ये तर्क था कि हम इस मामले में एक रूपता चाहते थे। दरअसल अगर हर राज्य अपने अपने सहकारी समितियों के कानून बनाएंगे तो उनमें एक रूपता नहीं होगी। हम जैसे हमने पंचायतों के मामले में एक रूपता लाने के लिए हमने एक संविधान संशोधन पास किया, वैसे ही उन्होंने कहा कि हमने राज्यों के कानूनों में एक रूपता लाने के लिए ये संविधान संशोधन पास किया था। हालांकि इस बात को जो है कोर्ट ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होगा। ये देखो ये चीज़ भी इस संविधान संशोधन में तय होगी, कार्यकाल कितना होगा। मतलब राज्यों के पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था अपने अपने सहकारी समितियों के कानून बनाने के लिए, ऊपर से सब कुछ चीज़ें लगभग लगभग तय कर दी गई। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए कार्यकाल फिक्स कर दिया था। उसके अलावा राज्य विधानमंडल सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति को जो है उसमें जोड़ सकता है, ऐसा कोई नियम बनाया जा सकता है। ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे सदस्यों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये 97वां संविधान संशोधन के प्रावधान थे जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए। समझ गए आप लोग? वर्तमान में आपको बस इतना समझना है कि 97वां संविधान संशोधन जो था हमारा वो अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। मतलब उसमें 9B जो 9ख पार्ट है उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसलिए अब यहाँ पर हमारे लिए बात करने के लिए, पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं बचा है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर बड़ा अच्छा है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 65। बहुत सारे बच्चों को यहाँ के प्रावधान क्लियर नहीं है कि हमारे संविधान में संघ की भाषा के बारे में क्या प्रावधान है, राज्य की भाषा के बारे में क्या प्रावधान है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में क्या प्रावधान है। तो ये अपने आप में भारत के संविधान का जो भाग 17 है, दरअसल ये भाग 17 है और इसमें राजभाषा से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन पहले हम समझें कि राजभाषा और एक तरफ शब्द मिलता है राष्ट्रभाषा और एक तरफ मिलता है मातृभाषा, अलग अलग शब्द आपको मिलते होंगे। राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा बनाम मातृभाषा, इनमें अंतर क्या है? तो मैं आपको अंतर बता देता हूँ कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राजभाषा के और राष्ट्रभाषा के बीच में क्या अंतर होता है। दरअसल राजभाषा जो शब्द है इसका मतलब होता है राजकाज की भाषा, जिसमें राजा का शासन प्रशासन का सारा काम होता है या सरकार के प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, ऑफिशियल काम जितने सरकार के किए जाते हैं वो होती है राजभाषा, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, और जो राजभाषा होती है वो मान्यता प्राप्त होती है। दूसरी तरफ आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो होती है वो आम लोगों की भाषा होती है, उस देश के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा पूरे देश के लोग जो है बोलते हैं या अधिकांश लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको सरकार के द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती है, उसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं। मतलब अगर सरकार की भाषा की बात करें तो राजभाषा, राजकाज की भाषा, और आम लोगों की भाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा जो होती है वो बहुत औपचारिक होती है, ये भी मैं आपको बता दूँ, वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो सिर्फ सरकार के काम में काम आती है।
जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो अभी हम लोग इस बात को समझ गए, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब हम बात करते हैं मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है जो कोई व्यक्ति सबसे पहले जो भाषा सीखता है, मतलब कुल मिला के आपको पता है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो पहला जो परिचय होता है वो माँ से होता है ना। तो माँ को प्रथम गुरु माना जाता है हमारे, और बच्चा जो अपनी माता से जो भाषा सीखता है, जो माँ उसकी भाषा बोलती है या जिस भाषा में माँ अपने बच्चे से बात करती है, वो भाषा मातृभाषा होती है। समझ में आप, उसको मदर टंग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो फ्रांस में पैदा हुआ और उसकी माँ फ्रेंच है, लेकिन वो भारत में काम कर रहा है या यूएसए में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, तो उसकी मातृभाषा फ्रेंच होगी और उसकी राष्ट्रभाषा जो होगी, जो वहाँ दूसरे देश में बोली जा रही है या वहाँ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, या राजभाषा जो वहाँ राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है वो होगी, लेकिन मातृभाषा वही होगी जो उसने सबसे पहले सीखी थी। आ गया समझ में? चलो कमेंट करके बताओ सभी लोग, क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया कि अंतर क्या होता है राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में, क्योंकि कई सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। तो अगर हम संविधान के हिसाब से चलें, राजभाषा पहले हम लोग अंतर तो समझ चुके हैं ना, तो हमें समझना है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, संघ की आधिकारिक भाषा क्या है, जिसमें भारत सरकार का काम होगा, जिसमें राज्यों का काम होगा, तो ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। या मैंने आपको एकदम सिंपल शब्दों में बोला है राजकाज की भाषा, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, जिसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं सरकारों के। संविधान का भाग 17 आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला भाग जो आता है 18, वो आपातकालीन प्रावधान से जुड़ा है, भाग 18। तो ये 17वां भाग है आपातकालीन प्रावधान से जस्ट पहले वाला, अनुच्छेद 343 से 351, इसके बाद 352 से 60 में वो आता है। तो 343 से 351 में अगर आप संविधान में जाएंगे तो आपको भारत में संघ की भाषा से जुड़े हुए, राजभाषा से जुड़े हुए कुछ प्रावधान मिलेंगे। इनके उपबंधों को 4 शीर्षक में बांटा गया है। सबसे पहले संघ की भाषा, मतलब वो भाषा जिसमें संघ का, भारत सरकार का कामकाज होगा, ठीक है। दूसरा क्षेत्रीय भाषाएं, भाई जिसमें राज्य अपने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, तो दूसरा क्षेत्रीय भाषाएं। तीसरा न्यायपालिका और विधि के पाठ की भाषा, भाई न्यायपालिकाओं का काम किस भाषा में होगा। और चौथा अन्य विशेष निर्देश। इस प्रकार से भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं वो 4 भागों में बांटे जा सकते हैं, 4 शीर्षकों में बांटे जा सकते हैं। पहला संघ की भाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा न्यायपालिका की भाषा, और चौथा अन्य विशेष निर्देशों की भाषा क्या होगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की भाषा। संघ मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के जो कामकाज होंगे या होते हैं वो किस भाषा में होंगे। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाते समय उनके पास में ऑप्शन तो कई सारे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा ऑप्शन था वो था उनके पास में हिंदी, है ना। आपको पता है भारत में अधिकांश लोग हिंदी बोलते, हिंदी बोलने वाले या हिंदी भाषी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरे भारत में समस्या ये थी कि सभी लोग हिंदी नहीं बोलते और सभी लोगों को हिंदी नहीं आती। इसीलिए भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जो है वो जारी रखने का फैसला किया कि भाई हिंदी को तो ठीक है, लेकिन जब तक हिंदी पूरे देश में नहीं फैल जाती, जब तक सभी लोग हिंदी नहीं बोलने लगते, समझने नहीं लगते, तब तक हम हिंदी के साथ में एक ऑल्टरनेट, एक ऑप्शन रखते हैं, और वो उन्होंने अंग्रेजी को रखा। समझ गए यहाँ तक? भारत में महात्मा गांधी ने कई साल पहले ही बोल दिया था कि हिंदी जो है वो होनी चाहिए संघ की राजभाषा, या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और हम बाकी लोगों को हिंदी सिखा सकते हैं, तो उनका भी मानना यही था। तो संघ की भाषा के संबंध में संविधान क्या कहता है? ये संविधान कहता है कि हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी
वो संघ की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे देश की, भारत सरकार की राजभाषा, वो होगी हिंदी। लेकिन हिंदी कौन सी? अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को लिपि का मतलब समझ में नहीं आता है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट, हिंदी तो एक भाषा है पर लिखी किसमें जाएगी? देखो, भाषा को जिसमें लिखा जाता है ना उसे लिपि कहा जाता है। तो किस लिपि में? देवनागरी लिपि। अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, आपने देखा, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी भाषा में कुछ लिखा है, तो ये जो लिखा हुआ है सब कुछ ये देवनागरी लिपि में ही लिखा है। जो आप अनार, आम, इमली पढ़ते हो ना, क ख ग घ, ये देवनागरी लिपि है। यदि हम लोग इसको ABCD के फॉर्म में लिखें तो ये अंग्रेजी नहीं होगी, ये रोमन लिपि हो जाएगी हिंदी भाषा में। कैसे? अगर मैं संघ को ऐसे लिख दूं, SANGH, समझ में आया मेरी बात? ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है संघ। आपको लग रहा हो कि ये तो अंग्रेजी है? नहीं, ये हिंदी ही है, भाषा हिंदी है, लिपि रोमन है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यूनियन, तो अब ये अंग्रेजी भाषा है और रोमन लिपि है। समझ में आई मेरी बात? थोड़ा सा एक जो कन्फ्यूज़न है आपके अंदर का, वो दूर कर लीजिए कि भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। मैं हिंदी को देवनागरी में लिखता हूँ, आप भी देवनागरी में लिखते हैं, दैट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदी को किसी और लिपि में नहीं लिख सकते। आम तौर पर जब आप WhatsApp पर चैट करते होंगे या किसी से मैसेज में टाइप करके बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हिंदी में बात करते हैं लेकिन टाइप जो है वो रोमन में करते हैं। ठीक है, आपने क्या कभी इस तरीके से टाइप किया है मैसेज में, क्या कर रहा है या क्या कर रही है? ये जो आप लिखते हो ना, ये हिंदी में ही बात हो रही है लेकिन आप इसको टाइप करते हैं रोमन में। आप इसे देवनागरी में भी टाइप कर सकते हैं, जैसा हम लोग कर सकते हैं या करते ही हैं। तो आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं आपको सिर्फ भाषा और लिपि में थोड़ा सा एक समझा रहा हूँ कि भारत में, जैसे अभी आप लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि आपके मैसेजेस जो आते हैं ना, बहुत कम बच्चों के मैसेजेस हिंदी में देवनागरी में आते हैं। अधिकांश बच्चे हिंदी में रोमन लिपि में टाइप करके मैसेज करते हैं, है ना? आगे समझ में? तो संविधान ने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि हिंदी तो भाषा होगी, राजभाषा, पर हिंदी जो देवनागरी में लिपि लिखी होगी, मतलब और किसी लिपि में अगर आप हिंदी लिखोगे तो वो मान्य नहीं होगी। और ऐसे ही जब आप UPSC का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, जब आप UPSC का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ लिखा होता है हिंदी जो देवनागरी में लिखी हो। मतलब आप अगर हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि आप उसको देवनागरी में लिख के, व्हाट्सएप की भाषा में लिख के मत आ जाइएगा अपने आंसर, ठीक है। और कोई लिपि में अगर आप हिंदी को लिख कर आए तो वो मान्य नहीं होगी। तो हम इस बात को क्लियर कर लिए, कुल मिला के आपको बात समझ में आई? जैसे आपने पढ़ा होगा अशोक के अभिलेखों के बारे में, अशोक के जब अभिलेखों की बात करते हैं तो अशोक के जो अभिलेख आपको मिलते हैं, आपने देखा होगा कि भाषा होती है प्राकृत, और आम तौर पर जो लिपि पूरे भारत में है वो है ब्राह्मी। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कहीं कहीं ये अरमाइक लिपि में भी है, कहीं कहीं खरोष्ठी लिपि में भी है, पर कुल मिला के भाषा और लिपि का मतलब क्लियर हुआ? चलो, अभी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हिस्ट्री के फाउंडेशन बैच में यही स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर। यह भी आपको बता दूँ, हिस्ट्री में मैं स्टार्ट करूँगा प्राचीन भारत से। सबसे पहले रामशरण शर्मा, RS शर्मा हम लोग करेंगे 11th का प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद हम लोग 11th का मध्यकालीन भारत का इतिहास करेंगे, इसके बाद 11th के बाद 12th का आधुनिक भारत का जो इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, वो करेंगे, और उसके बाद हम स्पेक्ट्रम को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो पूरा फाउंडेशन आपका हिस्ट्री का यूट्यूब पर यहीं पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, मे बी इसी मंथ, नहीं तो अगले मंथ जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। 2024-25-26 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री का पूरा फाउंडेशन कोर्स यहाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा वापस वहीं पर कि संविधान में लिखा है
कि हिंदी जो देवनागरी में लिखी जाएगी वो संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो संघ की राजभाषा मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दी कि जब आप बात करते हैं लिखने की, लिपि की, तो नंबर्स जो है संख्या वो किस लिपि में होंगे? भाई हिंदी में तो ऐसा लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने देखा होगा ना, हिंदी में ऐसा लिखा जाता है। तो इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अंकों की संख्या देवनागरी में नहीं होगी, लिपि देवनागरी में ऐसे लिखे, अंकों की संख्या रोमन में होगी, 1, 2, 3, 4 ये चलेगा। मतलब आधिकारिक रूप से संघ के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। तो हम जो संख्याओं का यूज़ करेंगे ना वो हिंदी में नहीं करेंगे, मतलब देवनागरी में नहीं करेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके रोमन लिपि के ही होंगे आमतौर पर। ठीक है, समझ गए? चलो यहाँ तक क्लियर, अब आगे चलते हैं। हालांकि इसमें एक पेच मैंने जो आपसे कहा था कि संविधान बनाते समय भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित तो कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि सारे भारत में हिंदी का प्रचलन उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा, जब तक हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता, सरकार कोशिश करेगी कि कैसे भारत के कोने कोने तक हम भारत की राजभाषा को पहुंचा दें। तब तक अंग्रेजी जो भारत में अंग्रेजों के काल में चली रही थी, अंग्रेजों के काल में सारे का कामकाज अंग्रेजी में हो रहे थे, उसी को क्यों ना कंटिन्यू करें। तो ये तय किया गया कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद 1950 से लेकर 15 साल 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से हम उन प्रयोजनों के लिए करते रहेंगे जिनका प्रयोग 1950 से पहले होता था। तो पहले जिस प्रकार से अंग्रेजी का प्रयोग भारत में अंग्रेजों के काल में हो रहा था, वैसे ही इंग्लिश या अंग्रेजी का प्रयोग हम लोग आगे भी करेंगे 15 सालों तक। तब तक हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने की। इज दैट क्लियर? अब क्या इसके बाद क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि 1965 के बाद भारत से अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामों में बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें हिंदी को लेकर चलना, लेकिन हो नहीं पाया। भारत में सरकारों के साथ यही दिक्कतें रही हैं कि हम कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए हैं अधिकांश मामलों में। आरक्षण में भी आप देखेंगे तो हमने सिर्फ 10 वर्षों के लिए आरक्षण को अस्थायी तौर पर इसलिए शामिल किया था कि 10 वर्षों में हम उस समता के सिद्धांत को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम हर 10 साल बाद उसको आगे बढ़ाते रहते हैं और आज भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसको आगे बढ़ाना पड़ रहा है। यदि हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए होते जिसके लिए आरक्षण को हमने शामिल किया था, अनुच्छेद 16(4) को शामिल किया था, तो हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे ही हम लोग 15 साल के बाद अगर हिंदी को स्थापित कर लेते इस दौरान, या हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छे से धुआंधार तरीके से हो जाता, तो फिर शायद अंग्रेजी की आज जरूरत ही नहीं पड़ती, अंग्रेजी में काम नहीं हो रहा होता। अब वही समस्या हो गई कि 15 साल के लिए हमने रखा था और 15 साल हो गए, 15 साल के उपरांत भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। उसमें यह भी था कि 15 साल के बाद भी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पूरी तरह से खत्म होगी, संघ चाहे तो विशेष प्रयोजन के लिए, स्पेशल अगर कोई मैटर है तो उनके लिए वो यूज़ कर सकता है, अंग्रेजी को प्रयोग कर सकता है। फिर इसमें यह था कि संविधान लागू होने के 5 साल के बाद, मतलब 1955 में 5 साल के बाद, और उसके बाद 10 साल के बाद, मतलब 1960 में राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने और अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा। तो एक व्यवस्था ये की गई कि हम अभी हिंदी के साथ अंग्रेजी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 साल के बाद 1955 में, 10 साल के बाद 1960 में हम आयोग बनाएंगे, राष्ट्रपति आयोगों का गठन करेंगे, और ये आयोग क्या करेंगे, ये आयोग अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने के लिए और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई सिफारिशें करेंगे। इनका काम ये होगा कि अंग्रेजी का प्रयोग कम से कम करवाया जाए और हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, ताकि हम लोग राजभाषा के रूप में हिंदी का पूरी तरह से प्रयोग कर पाएं। ये व्यवस्था भी थी, आयोग की सिफारिशों के अध्ययन और राष्ट्रपति को इस संबंध में विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित होगी।
उसके बाद एक संसदीय समिति गठित होगी जो उस आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी और संसदीय समिति की सिफारिशों पर आगे फिर हम लोग कार्यवाही करेंगे। ये व्यवस्था संविधान में की गई थी। अब इसके बाद हमने किया भी सही 1955 में, आपको ये पूरा मामला ध्यान रखना है क्योंकि मेंस में यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है। 1955 में हमारे राष्ट्रपति ने बीजी खैर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया, मतलब जैसा कि उम्मीद की गई थी कि 5 साल के बाद में एक आयोग का गठन होगा, राजभाषा आयोग का गठन होगा, हमने कर भी दिया। अध्यक्ष थे बीजी खेर और इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत भी कर दी। इसके बाद 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति भी बना दी गई। ये सब था ना कि एक आयोग बनेगा, आयोग की रिपोर्ट के बाद फिर एक संसदीय समिति बनेगी, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में आयोग बन गया, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति भी बना दी गई और उस समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा भी कर ली। लेकिन जैसा कि कल्पना की गई थी कि 10 साल के बाद फिर से एक आयोग बनेगा, वो नहीं बनाया। हमने एक शर्त तो संविधान की पूरी कर दी कि 5 साल के बाद में हम एक आयोग बनाएंगे, वो हमने बना दिया। लेकिन 10 साल के बाद एक आयोग और बनाने की शर्त जो आपको मैंने बताई थी ना, दूसरे आयोग की कल्पना जो संविधान में की गई थी 1960 में, उसका गठन नहीं किया गया। मतलब हम सिर्फ एक आयोग बनाकर चुप हो गए। इसके बाद जो पहले आयोग की सिफारिशें थी, संसदीय समिति ने जो पूरा मामला विचार किया था, उसके परिणाम स्वरूप संसद ने एक कानून पास कर दिया, राजभाषा अधिनियम 1963। अब भारत में जो वर्तमान में राजभाषा के रूप में हिंदी का, अंग्रेजी का जो प्रयोग हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है संघ की राज काज की भाषा में या प्रशासनिक मामलों में, वो सब इस अधिनियम से होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर समझ लें। भारत में 1963 में एक राजभाषा अधिनियम संसद ने पास किया। इस कानून में संघ के सभी सरकारी काम और संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के उपबंध किए गए, क्योंकि 1965 के बाद अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकते थे आप। 1965 के बाद में अंग्रेजी का प्रयोग बंद होने वाला था, 1965 में 15 साल पूरे हो रहे थे, तो इस कानून ने 1965 के बाद भी संसद में, सरकार के कामों में अंग्रेजी के, इंग्लिश के प्रयोग को जारी रखने की झंडी दे दी हरी। मतलब आप अंग्रेजी को घीच सकते हैं उसके बाद भी, उसके साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध, मतलब यथास्थिति बनी रहेगी, अंग्रेजी का प्रयोग इसी तरह चलता रहेगा, साथ साथ हिंदी का प्रयोग भी होगा। मतलब जैसा 1950 में हमने किया था वही राजभाषा अधिनियम ने कंटिन्यू कर दिया, कुछ चेंज नहीं उसमें। ध्यान देने योग्य बात यह भी है इसमें कि इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। और इस बार हमने एक चीज़ और कर दी कि हमने टाइम लिमिट हटा दी, कि अगली बार अगर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि आखिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को कब तक चलाते रहेंगे, आखिर हम अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में सरकार के कामों में कब तक करेंगे, इसका कोई आंसर नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक चाहे। मतलब अभी देखो आप 1963 के बाद आज 2023 हो गया है, है ना, हम लोग 50 से ज़्यादा साल उसके बाद देख चुके हैं, पर अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग वैसा का वैसा ही जारी है। तो क्योंकि अंग्रेजी के प्रयोग की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हुई, सन 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। फिर इसमें हमने एक संशोधन और किया 1967 में, राजभाषा अधिनियम जो हमने अभी बताया आपको, जो कानून 1963 में पास किया गया उस कानून में एक संशोधन 1967 में भी किया गया कि कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी करना पड़ेगा। मतलब हम बनाने चले थे हिंदी को कंपलसरी, पर हमने और अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया कि अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कुछ मामलों में करना ही पड़ेगा, ये भी संशोधन कर दिया। इस प्रकार से अंग्रेजी जो है भारत में आगे बढ़ गई। तो आप समझ गए, अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो क्या समझे हम लोग, संघ की भाषा कौन सी है, संघ की राजभाषा हिंदी है। संविधान घोषित करता है कि संघ की राजभाषा, अगर आपसे कोई पूछे कि संघ की राजभाषा कौन सी है, तो आपको बताना है संघ की राजभाषा हिंदी है जो देवनागरी में लिखी जाती है।
हालांकि संघ की राजभाषा के साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए मना नहीं है और अंग्रेजी का प्रयोग उसके साथ साथ किया जा सकता है और वो संवैधानिक है। 15 साल के लिए हमने ये व्यवस्था की थी, पर 15 साल के बाद भी आज तक ये व्यवस्था जारी है और भारत में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी संघ के राजकाज की भाषा माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही सरकार की काम होती है, बाद में ट्रांसलेशन उसका हिंदी वगैरह में किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद अब बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा। अच्छा, क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा? आपके राज्य की भाषा कौन सी होगी, मतलब आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी कि अंग्रेजी होगी कि आपके राज्य में बोली जाने वाली कोई और भाषा या लोकल लैंग्वेज होगी। तो संविधान में राज्यों के लिए किसी भी भाषा विशेष का उल्लेख नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान सिर्फ संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित करता है। राज्यों की राजभाषा के रूप में संविधान मौन है, किसी एक भाषा को घोषित नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप किसी राज्य पर कोई भाषा थोप नहीं सकते कि नहीं आपको तो अंग्रेजी में ही काम करना पड़ेगा कि हिंदी में ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी राज्य की विधायिका, इस मामले में जो अधिकार है वो उस राज्य की विधायिका को है कि वो उस राज्य की भाषा के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है। अब ये राज्य के ऊपर है, कोई भी राज्य जो है उसकी राज्य की विधानमंडल विधायिका ये तय करेगी कि उस राज्य की राजभाषा क्या होगी। वो हिंदी को चुन सकती है या वो कोई एक और भाषा को या एक से ज़्यादा भाषा को भी चुन सकती है। यदि किसी राज्य में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं तो वो राज्य अपने यहाँ पर एक से ज़्यादा भाषाओं को भी अपने काम के लिए चुन सकता है, राजभाषा के रूप में चुन सकता है और हिंदी को भी चुन सकता है, कोई इशू नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राज्य की विधायिका पर निर्भर करता है कि वो किस भाषा को, पहली बात किस भाषा को राजभाषा बनाती है और दूसरा कितनी भाषाओं को राजभाषा बनाती है, एक से ज़्यादा भी कर सकती है। और जब तक यह ना हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। और जब तक विधायिका तय नहीं करे, ठीक है, जब तक विधायिका तय नहीं कर लेती कि कौन सी भाषा रखनी है, तब तक अंग्रेजी ही उस राज्य की राजभाषा मानी जाएगी, आधिकारिक भाषा मानी जाएगी। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, अब वो तो आपको पता ही है, स्वाभाविक सी बात है कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं तो वो उसी में काम करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है तो आंध्र प्रदेश की विधायिका ने तेलुगु को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। केरल में मलयालम बोली जाती है तो केरल ने मलयालम को ये दर्जा दिया है। असम में यही दर्जा असमिया को दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ये काम बंगाली करती है। ओडिशा में ओडिशी करती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों में हिंदी को औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ये जो हमारी हिंदी पट्टी है ना, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है मुख्य रूप से, आपको पता है जैसे हिमाचल में मुख्य रूप से हिंदी ही बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से हिंदी ही बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, बिहार में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों ने अपनी औपचारिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है ना, ये सब आप जानते हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं और उन्होंने उन्हें अपनी औपचारिक भाषा ग्रुप बनाया हुआ है। गुजरात की बात करें तो गुजरात ने गुजराती को तो अपनाया ही है, गुजराती के अलावा हिंदी को भी अपनी औपचारिक भाषा बनाया है। अभी ये चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि राज्य के विधायिका चाहे तो एक से ज़्यादा भाषाओं को भी या हिंदी को साथ साथ औपचारिक भाषा बना सकती है, तो गुजरात ने गुजराती के साथ साथ हिंदी को भी अपनाया है। गोवा ने कोंकणी के अंतर्गत कोंकणी के अलावा गुजराती और मराठी को भी अपनाया है। फिर जम्मू और कश्मीर ने उर्दू को अपनाया है। दूसरी ओर उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन्होंने अंग्रेजी को स्वीकार किया। इनकी राजभाषा, इनकी जो औपचारिक भाषा है ना, वो इंग्लिश है। अभी भी आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं कुछ, जैसे अरुणाचल प्रदेश है,
नागालैंड हो गया है, ठीक है, या मेघालय हो गया है, इनकी औपचारिक भाषा आज भी इंग्लिश है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक सीमित नहीं है। इसमें एक काम की बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें एक काम की बात सुन लीजिए कि ऐसा कोई बंधन नहीं है कि राज्य जब अपनी औपचारिक भाषा को चुने तो उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन्हीं में से किसी को चुने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके राज्य में कोई भाषा बोली जाती है, अगर आप उस भाषा को अपनाना चाहते हैं अपनी औपचारिक भाषा के तौर पर जो 22 भाषाओं में नहीं आती, जो 8वीं अनुसूची में ही नहीं आती, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस भाषा को भी अपनी औपचारिक भाषा बना सकते हैं। और ये पॉइंट यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को पता होना चाहिए। किसी दिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रावधान को लेकर निम्नलिखित में से क्या सही है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। इसका कारण यह है कि वो कभी इन प्रावधानों को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। इक्का दुक्का कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि संघ की राजभाषा हिंदी है, देवनागरी में लिखी जाने वाली, और इससे ज़्यादा के प्रावधान बहुत कम बच्चों को आगे के पता होते हैं, ठीक है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य जो है वो किसी भी भाषा को अपनी औपचारिक भाषा बना सकता है, भले ही वो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो, ठीक है। क्योंकि एक कॉमन सेंस होता ना, देखो कई बार बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो हर बार सिर्फ ज्ञान से नहीं करता, कई बार आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, जो आपको धोखा भी देता है बहुत बार। तो कॉमन सेंस हमारा, लॉजिक जो हमारा, वो ये कहता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, संविधान कह रहा है तो 8वीं अनुसूची में ही किसी को बनाना पड़ेगा। हमारा दिमाग जो है हमको, आपको उस दिशा में लेके जाएगा कि 8वीं अनुसूची से बाहर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस हैं। जैसे अगर अंग्रेजी की बात करूं मैं आपको, यही सिद्ध हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा नागालैंड, अरुणाचल और मेघालय, देखो अभी मैं आपको LHS इक्वल टू RHS करके दिखा देता हूं, यही हेंस प्रूव्ड कर देते हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, इनकी औपचारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। पर क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में आती है? नहीं आती, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 22 भाषा अगर आप देखें लिस्ट, तो उसमें अंग्रेजी तो है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो ये आपको क्षेत्रीय भाषा के बारे में पता चल गया। इसके बाद ये तो हम समझ गए कि हर राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ कौन सी भाषा को अपनाना चाहता है, ये तो तय हो गया। फिर कुछ समय के लिए केंद्र और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करेगी संघ की राजभाषा, मतलब अंग्रेजी का प्रयोग होगा कुछ समय के लिए, मतलब जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद, चूंकि हिंदी तो हम लोग कह चुके हैं तब तक पूरे सारे भारत में नहीं थी, इसीलिए कुछ समय तक ये रहेगा, है ना, कुछ समय तक ये रहेगा कि राज्य की आपसी भाषा क्या होगी संपर्क की, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से अगर पत्राचार कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से अगर कम्युनिकेशन कर रहा है तो किस भाषा में करेगा, या केंद्र सरकार किसी राज्य से कोई कम्युनिकेशन कर रही है तो किस भाषा में करेगी, अंग्रेजी में। कुछ समय के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में और राज्यों के आपस में जो संपर्क की भाषा होगी वो संघ की राजभाषा, मतलब अंग्रेजी होगी, परंतु दो या दो से अधिक राज्य परस्पर संवाद के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। मतलब यदि राज्य चाहते हैं खुद आगे रहकर, जबरदस्ती नहीं, कि हमें हिंदी में बात करनी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदी में बात करने में रोका नहीं गया है। अंग्रेजी के स्थान पर अगर हिंदी का प्रयोग दो या दो से ज़्यादा राज्य आपस में बात करने में, संपर्क करने में, संवाद करने में करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। वैसे तो अंग्रेजी होगी, पर अगर आप चाहें तो हिंदी में, मतलब अंग्रेजी कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी नहीं है, हिंदी आपके मन के ऊपर है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार ने ऐसे समझौते किए हैं, मतलब ये राज्य आपस में जो संपर्क है, जो संवाद होता है ना, वो हिंदी में करते हैं। इन्होंने ऐसे समझौते कर रखे कि यहाँ अंग्रेजी में नहीं हो पाते।
चलो ये भी आप समझ गए होंगे। फिर राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ और गैर हिंदी भाषी राज्यों के मध्य अंग्रेजी संपर्क भाषा होगी। अब एक चीज़ ये भी है ना कि भारत में कई सारे राज्य गैर हिंदी भाषी भी हैं, अगर केंद्र उनसे संवाद कर रहा है तो अंग्रेजी में करेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के बीच संपर्क भाषा हिंदी है, वहाँ पर ऐसे संवाद अंग्रेजी में भी अनुवादित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रावधान है जो राजभाषा अधिनियम के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ पर कौन सी भाषा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जा सकती है। अगर राज्य के कोई काम होंगे आपके वो किस भाषा में हो सकते हैं, आपका राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई बात संवाद कर रहा है वो किस भाषा में करेगा, केंद्र के साथ कोई बातचीत कर रहा है, पत्राचार कर रहा है, वो किस भाषा में करेगा, ये सब लिखा हुआ है राजभाषा अधिनियम 1963 में। इसके बाद यदि मांग की जाए और राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता चाहता हो, तो वह ऐसी भाषा को राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश कर सकता है। अब इसमें एक प्रावधान और है जो राष्ट्रपति के हाथ में है। अगर किसी राज्य के लोग मांग करें और राष्ट्रपति से ये मांग करें और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि कुछ लोगों के द्वारा उस राज्य में बोले जाने वाली भाषा को वो वहाँ की राजभाषा औपचारिक भाषा बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसी भाषा को उस राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया अभी कि बिहार की जो औपचारिक भाषा है वो हिंदी है, समझो। अब बिहार की औपचारिक भाषा तो हिंदी है, पर बिहार में लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, है ना। अब भोजपुरी बोलने वाले लोग अगर ऐसी मांग करें कि इस राज्य की भाषा, मतलब इस राज्य की औपचारिक भाषा में भोजपुरी भी होनी चाहिए या भोजपुरी में भी सरकार का काम होना चाहिए या ट्रांसलेशन होना चाहिए, तो वो ऐसी मांग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति यदि उनकी इस मांग से संतुष्ट हो जाए तो वो भोजपुरी को उस राज्य की औपचारिक भाषा बनाने का निर्देश दे सकते हैं, समझ गए, ठीक है। मैंने आपको विथ एग्जाम्पल क्लियर कर दिया कि ये कैसे काम करता है। ये उस राज्य की, ठीक है, अधिकतर भाग में बोली जाने वाली भाषा से जुड़ा हुआ है कि अगर वो मान्यता देना चाहें तो ऐसा किया जा सकता है। है ना, चलिए। इस उपबंध का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों की सुरक्षा करना है। ये तो दूसरी चीज़ हो गई कि हमने देखा कि भाई संघ की भाषा कौन सी होगी, क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी होगी। तीसरा जो शीर्षक है इस पूरे चैप्टर का, भाग 17 का संविधान के, वो है न्यायपालिका की भाषा। न्यायपालिका की भाषा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट का काम किस भाषा में होगा, हाई कोर्ट का काम किस भाषा में होगा, ये देखिए संविधान ये कहता है। न्यायपालिका और विधायिका की भाषा के संबंध में जो उपबंध है वो देखिए कि जब तक संसद व्यवस्था नहीं कर दे ऐसी कोई अन्यथा, तब तक निम्नलिखित काम केवल अंग्रेजी में होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही। तो सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उन सभी की कार्यवाही इंग्लिश में ही होगी, जब तक कि संसद ऐसा कोई प्रावधान अलग से नहीं कर दे तब तक अंग्रेजी में ही ये काम करेंगे। केंद्र और राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम और उपनियमों के आधिकारिक पाठ, जो ऑफिशियल पाठ होंगे केंद्र राज्य सरकार के सारे जो विधेयक हैं, जो बिल्स हैं उनकी भाषा, या इसके अलावा जो अधिनियम पास किए जा रहे एक्ट, इन सब के जो है आधिकारिक पाठ वो अंग्रेजी भाषा में छापने होंगे, ये भी एक फिक्स कर दिया गया है। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या किसी राज्य के किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान से समझ लो, क्या समझे। पहला, संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियाँ उनकी भाषा अंग्रेजी होगी, ये समझ में। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट में हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे राज्य की भाषा में भी काम हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं, वो उस राज्य की किसी औपचारिक भाषा को वहाँ के हाईकोर्ट की भाषा का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी राज्य की किसी औपचारिक या राजभाषा को उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपसे कहा आंध्र प्रदेश में तेलुगु को औपचारिक भाषा का दर्जा है। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाही वैसे तो संविधान के हिसाब से अंग्रेजी में होगी, पर यदि आंध्र प्रदेश में ऐसी इच्छा हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से वहाँ के राज्यपाल तेलुगु भाषा में भी वहाँ की हाईकोर्ट की भाषा का दर्जा उसको दे सकते हैं। सेम ऐसा बाकी राज्यों में भी हो सकता है, गुजरात गुजराती के साथ ये कर सकता है, महाराष्ट्र मराठी के साथ कर सकता है, जो भी राज्य अपनी औपचारिक भाषा में काम करवाना चाहता है वहाँ के हाईकोर्ट में, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा, लेकिन हाँ याद रखिएगा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। इस संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, परंतु यह न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय आज्ञा और इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। मतलब न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हम बात कर रहे थे, उस न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं, जो डिसीजन होंगे, जो आज्ञा होगी, आदेश होंगे, वो सिर्फ अंग्रेजी में होंगे। कुल मिलाकर भारत में किसी भी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उनके आदेश उनके निर्णय अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में नहीं हो सकते। ठीक है, अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दे। तो जो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, हाई कोर्ट का कोई डिटेल डिसीजन आता है, तो वो सब अंग्रेजी में ही आते हैं। ठीक है, उसको बाद में हमको ट्रांसलेट करना होता है, तो ये सब अंग्रेजी में ही होगा। इसी प्रकार राज्य विधानसभा भी विधेयक अधिनियम अध्यादेश आदेश नियम व्यवस्थाओं और उपनियमों के संबंध में किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकती है या किसी भी भाषा के प्रयोग को निर्धारित कर सकती है। इसमें यह भी है ना, कि राज्य विधानसभा चाहे तो वो अपने कोई भी विधेयक अधिनियम अध्यादेश आदेश नियम और व्यवस्थाओं को अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी और भाषा का प्रयोग वहाँ कर सकती है। फिर सबका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा, लेकिन कंपल्सरी। मतलब अगर कोई राज्य की विधायिका चाहे कि हम अंग्रेजी के अलावा अपनी किसी भाषा में अपने विधेयक को, किसी कानून को पारित, जो है पारित किया गया है उसको प्रकाशित करना चाहे, तो वो कर सकती है, अपनी किसी और भाषा में भी कर सकती है, लेकिन अंग्रेजी में उसको आपको अवेलेबल करवाना होगा, इंग्लिश में करवाना कंपलसरी है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम अध्यादेश आदेश नियम और उपनियमों के हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये भारत में राजभाषा के विकास को लेकर, कि हमने राजभाषा अधिनियम पास किया और क्या क्या उसमें किया है। अभी और भी है, ये चैप्टर आपका अभी चलता रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर अभी और चलेगा, हम लोग अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन यहीं तक रखेंगे, अभी राजभाषा वाला चैप्टर बाकी है, उसके बाद अगले चैप्टर्स भी आपके जो हैं वो बाकी हैं, वो भी एक के बाद एक हो जाएंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, जाते जाते लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और काम की बात, आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेशन था उसका पार्ट 3 कल होगा दोपहर में 3 बजे से, है ना। करंट अफेयर्स वाला हमारा एक सीरीज चल रहा है, पॉलिटी करंट अफेयर्स वाला, उसके 2 सेशन हो चुके हैं, 3rd सेशन जो उसका कल होगा 3 बजे से दिन में, आप उसको अटेंड कर सकते हैं लाइव। ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें तो ये रेफरल कोड यूज़ करो भाई, अभी एक बहुत बढ़िया मौका, कल लास्ट तारीख है 13 मई, 13 मई तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं सीके लाइव रेफरल कोड यूज़ करके, तो 50% तक का डिस्काउंट फीस में आपको मिल सकता है। मतलब आधी फीस में आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कल तक, आज और कल 2 दिन है आपके पास। सो यूज़ दिस रेफरल कोड CKLIVE एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, जीएस, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल, टोटल कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना है इसके बाद, है ना। चलिए तो फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।